सब ठीक है, लेकिन आप वेट लॉस कर लो। हमने आपकी शादी इसलिए नहीं कराई है कि आप वेट गेन कर लो। अच्छा, ये एक्सरसाइज करती है तो फिर इतनी मोटी क्यों है? अगर आप अंकल ये देख रहे हो ना, तो प्लीज किसी और को ऐसे मत बोलना। इट हर्ट्स। एक 17 साल की लड़की, इमेजिन करो, वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी। शी वॉज सो फोकस्ड ऑन बींग थिन, उसको कैसी दिखती है, इतनी ज्यादा फोकस थी कि वो सिर्फ और सिर्फ खीरे खाती थी। हद तो उस दिन हो गई जिस दिन उसकी एक फ्रेंड ने उसको पोलो दी और वो एकदम से उसके ऊपर चिल्लाई, डू यू वॉन्ट टू मेक मी फैट, क्या तुम मुझे मोटा करना चाहती हो? पोलो खाकर कभी कोई मोटा हुआ है? एक पोलो खाकर, सोचा है? तो वो लड़की इतनी ज्यादा, बिकॉज आसपास उसने यही देखा है राइट, कि थिन इज ब्यूटिफुल। लेटर ऑन शी वॉज डायग्नोस्ड विथ एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, और डिप्रेशन। तो ठीक है, ये एक एक्सट्रीम केस की मैंने बात करी यहाँ पर, लेकिन आप और हम जैसे लोग भी ये सब डेली बेसिस पे फेस करते ही रहते हैं। मेरी लाइफ के हर एक फेज में जो सबसे ज़्यादा अटैक, इमोशनल अटैक जो करती थी, कि मैं कैसी दिखती हूँ, क्या मैं ठीक लग रही हूँ, इज वॉट आई एम वेयरिंग इज ओके, क्या मेरे मोटापे के हिसाब से वो सही है। हाय, मैं हूँ नीति मुद्गल शर्मा, प्रोफेशन से एक एंटरप्रेन्योर और ट्रेनर। अंदर से कॉन्फिडेंट कैसे होना है, जस्ट बाहर से नहीं, वो भी मैं सिखाती हूँ। एक माँ होने के नाते, एक बहू होने के नाते, और जितने भी रोल्स मैं ज़िंदगी में निभाती हूँ रिश्तों में और प्रोफेशनली, उसके नाते मैं यहाँ पर आई हूँ आपको ये बताने कि इन सब चीज़ों में कि आप एक्सटर्नली कैसे दिखते हो, सिर्फ वही सोचने में टाइम ना बर्बाद करें। पहले मुझे अक्सर लोग बोला करते थे, आप मॉडल जैसे दिखते हो, आपकी हाइट अच्छी है, एंड आई वाज लाइक ओके, आई यूज्ड टू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मेरे साथ क्या हुआ, आई मेट विद एन एक्सीडेंट आफ्टर माई इंजीनियरिंग के लास्ट सेमेस्टर में। सो आई वॉज हिट बाय अ कार, हवा में उछले, गिर गए, एंड ह्यूमरस रोड ब्रोक इनटू पीसेस। नेक्स्ट वीक में आई ऑफिस ज्वाइन किया, वहाँ पे और भी लोग थे, बट यस आई स्टार्टेड रियलाइजिंग पीपल आर नोटिसिंग माय वेट नाउ। लोग जब मुझे टोकने लगे तो मुझे थोड़ा रियलाइज होने लगा कि हाँ, आई हैव पुट ऑन वेट, अब ज़्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ डाउट आ जाता है। हालांकि इंटरव्यू क्लियर किया, रिसेशन का टाइम था, आई टुक दैट जॉब ऑन माई ओन, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वेंट ऑफ, सिर्फ आ गया क्या फोकस में, वेट ये ऐसी दिखती है राइट, एंड आपके दिमाग पे असर पड़ता है उस एज में, बिकॉज लोग क्या सोच रहे हैं वो मैटर करने लगता है। तो वही चीज़ निकालनी है। तो आई यूज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आई यूज टू थिंक क्या सच में इतनी बुरी लग रही हूँ, देन आई यूज टू थिंक कि सिर्फ यही तो मैं नहीं हूँ ना, मैंने क्या कुछ किया, इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद रिसेशन के टाइम में आई टुक अ जॉब विद माई सेल्फ राइट, सो देर आर सो मैनी थिंग्स विच मेक मी, जिससे मैं हूँ, सिर्फ यही नहीं है जो एक्सटीरियर है, ये एक पार्ट है, लेकिन सिर्फ यही तो नहीं है ना। और अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं किसी भी लुक में अच्छी लग सकती हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये मैं खुद को समझाती थी। क्या हुआ, ठीक है, लड़का देख रहे थे, लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है मेरी। प्रीस्ट आए, उनके कुछ फ्रेंड्स आए जो कि मुझे नहीं जानते थे, मेरे फादर को भी नहीं जानते थे। उस इंसान ने क्या किया, मैं आके बैठी, अच्छा बेटा MBA करा है, गुड गुड गुड, अच्छा बेटा अपना बिजनेस है, अच्छा ठीक है बेटा, ये सब ठीक है, बिकॉज ही आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये सब ठीक है, लेकिन आप वेट लॉस कर लो। व्हाट? तो ही सेड कि आजकल की तो लड़कियां भी लड़कों को वेट के मामले में रिजेक्ट कर देती हैं। एक तो ये पॉइंट कि आप मोटे हो, चलो आप हो कौन अंकल, मेरे घर पे आके हमारे खाना खा के आप मुझे सुना रहे हो, दैट्स ओके, बट ये कौन सी बात हुई कि लड़कियां रिजेक्ट नहीं कर सकती? अगर आप अंकल ये देख रहे हो ना, तो प्लीज किसी और को ऐसे मत बोलना। इट हर्ट्स। मैं निकल आई उससे, आई हैव अ गुड फैमिली अराउंड मी, एंड समटाइम्स पीपल डोंट हैव दैट। एक और बात, गेस व्हाट, मेरी शादी एक ही बार में हो गई, तब मैं मोटी भी थी और मेरे पैर में प्लास्टर भी था। सो इट्स नॉट ओनली हाउ यू आर लुकिंग आउटसाइड। और कोई अगर ऐसे सोच रहा है ना कि ये कैसी दिखती है, सिर्फ उसी से शादी कर रहे हो, तो प्लीज मत करो, बॉडी चेंज होगी, मोटे भी हो गए, झुरियाँ भी आएंगी, सब कुछ होगा, फिर क्या छोड़ दोगे एक दूसरे को? अब शादी के बाद भी रुकते थोड़ी ना सिलसिला इन सब चीज़ों का। दोबारा से वेट बढ़ गया, तो मेरी कजन की शादी में हम लोग गए, तो नाउ आई एम अ डांसर, आई हॉप अराउंड, आई डोंट केयर अबाउट माई वेट। मैं डांस कर रही थी, सबको नमस्ते बोलने गए, देयर वाज दिस डिस्टेंट फैमिली फ्रेंड, आंटी जी नमस्ते, सो या, तो एक्चुअली मैं उन्हें हेलो और हाई हेलो बोलने गई, एंड देयर वाज अ फुल टेबल ऑफ आवर डिस्टेंट रिलेटिव सिटिंग। तो मैंने उनको सिर्फ इतना बोला, नमस्ते कैसे हैं आप, एंड शी स्टार्टेड, अरे यू हैव गेन्ड सो मच, इतना वेट आपने गेन कर लिया, हमने आपकी शादी इसलिए नहीं कराई है कि आप वेट गेन कर लो। आई केप्ट क्वाइट, ऑब्वियसली आई डिड नॉट वांट टू क्रिएट अ सीन देयर एंड देन,
आंटी हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, सब कुछ है, ठीक है, एज से रिस्पेक्ट आती है ना इंडिया में। तो जब भी आप ऐसे कोई भी सिचुएशन फेस करो, ये तो हम करते ही हैं, दिस इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि वो सोचते हैं वो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, हो सकता है उनका इंटेंशन बुरा ना हो, बट ये भी तो देखना पड़ता है ना कि सामने वाले को बुरा लगा या नहीं। ओके, आई माइट हैव बहुत सारा मास, बट अंदर दिल तो है। सिर्फ लोगों के अंदर तो दिल नहीं है, मोटों में भी है, राइट? तो इसीलिए बुरा लगे, पिक योर फाइट्स। अगर आपको लगता है कि जरूरी है ऐसे इंसान को जवाब देना तो उसी टाइम दे दो, नहीं तो खुद को इतना स्ट्रांग कर लो इंटरनली कि कुछ फर्क ही ना पड़े। लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो कैसे मॉडलिंग, इतने मोटे लोग, कभी देखे मैनिक्विंस बाहर, सारे कितने पतले होते हैं। मैंने तो कभी प्लस साइज, चाहे वो प्लस साइज भेज भी रहे होते हैं, मैनिक्विन पतले होते हैं, मॉडल्स पतली होती है। क्यों? मैं ऐसे भी मॉडलिंग कर सकती हूँ ना। एंड एक्चुअली मैंने मिसेज इंडिया में ऐसे ही पार्टिसिपेट किया, बल्कि इससे ज्यादा वेट था, अभी तो थोड़ा सा लूज हो गया, चलता रहता है ऊपर नीचे, राइट? सो बेसिकली आई वेंट टू मिसेज इंडिया, मैं जीती नहीं बट कॉन्फिडेंस तो था ना जाने का। 25,000 लोगों में से 35 में आना इज आई थिंक इज एन अचीवमेंट। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? 4 लोग। मुझे ये बताएगा कोई कौन है वो 4 लोग, कहाँ बैठे हैं, कहाँ खा पी रहे हैं, मतलब मैं तो कभी नहीं मिली। एंड लिटरली उन्हीं का सोच सोच कर हम अपनी सोच बदल लेते हैं। बेसिकली एक मोटे दिमाग और मोटे शरीर में बहुत डिफरेंस है, तो प्लीज मोटा दिमाग मत रखो, मोटा शरीर फिर भी चल जाएगा अगर हेल्थ ठीक है तो। मैं ये नहीं बोलती कि डोंट लूज योर वेट, जैसे हो वैसे ही दिखो, नहीं तुम तो ऐसे ही पैदा हुए थे, नो आई एम नॉट सेइंग दैट। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी बॉडी ही आती है, क्योंकि वही आपके साथ रहनी है, आप उसी के बारे में पॉजिटिव नहीं फील करोगे तो कैसे चलेगा? आपको करना पड़ेगा वो भी। मैं ये नहीं कहती एक्सरसाइज मत करो, फ्लेक्सिबिलिटी मत लाओ, नो, बट आई हैव सीन पीपल, मोटे लोग जो कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और डेली एक्सरसाइज करते हैं, और मैंने ऐसे पतले लोग भी देखे हैं जिन्हें एक्सरसाइज से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, या खाते भी ज्यादा है। सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट बॉडी टाइप। लेकिन अब डॉक्टर्स उसमें क्या करते हैं, अगर आपको कोई भी बीमारी है तो वो मोटापे से रिलेटेड है। थिंक अबाउट इट, मेरे हाथ पैर सूजने शुरू हो गए थे, एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन B12 डिफिशियंसी, जो कि काफी ज्यादा हो गई थी, और मैं डेली आई वॉज वर्किंग अ लॉट तो वो इसलिए बढ़ गया था। देयर वॉज वन डॉक्टर हु वॉज ऑन राउंड्स, ही केम टू मी, वैसे आप वेट लॉस कर लो, हाउ कैन यू कनेक्ट ईच एंड एवरी डिजीज टू यू नो ओबेसिटी? फाइन, देयर आर डिजीज रिलेटेड टू ओबेसिटी, बट हाउ इज विटामिन डी डिफिशियंसी रिलेटेड? आई वॉज अनएबल टू फिगर आउट। किसी को पता हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। इवन आई एक्सरसाइज, देख के नहीं लगता होगा, लोग बोलेंगे अच्छा ये एक्सरसाइज करती है तो फिर इतनी मोटी क्यों है, बट आई डू इट नॉट जस्ट टू लूज वेट, बट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, टू इम्प्रूव माई बॉडी एंड क्रिएट सम फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल्सो फॉर दोज एक्स्ट्रा एंडोर्फिन्स, राइट, जिससे मेरे को खुशी महसूस होती है, मुझे अच्छा लगता है। एंड जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पतले होने के लिए हो, हाँ दैट कुड बी अ बाय प्रोडक्ट। तो मैं इसीलिए आई विल टेल एवरीबडी, जो कि लोग ताने मार देते हैं मोटी लड़कियों को, दे माइट बी वर्किंग रियली हार्ड, यू नो, यू डोंट नो द बैक स्टोरी, सो प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ। जैसे ही आपके दिमाग में आए ना कुछ बोलने को, उसको एक पॉजिटिव तरीके से बोल, हमें आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है, हमें अपने बारे में पता है हम कैसे दिखते हैं, एंड वी आर हैप्पी फ्रॉम ऑल द प्लस साइज वुमेन एंड मैन। प्लीज मैं आपको ये बोलती हूँ कि एडवाइस तभी दो जब वो पॉजिटिव करे, अगर आप वेलविशर हो, अगर वो नेगेटिव कर रही है तो फायदा क्या है? तो प्लीज स्टॉप एडवाइसिंग एंड स्टार्ट हेल्पिंग मे बी। मोटा शरीर और मोटे दिमाग में बहुत फर्क होता है। मोटा दिमाग बेसिकली मंद बुद्धि होता है जो कि ऐसे कॉमेंट्स देता है, मोटा शरीर इज जस्ट एक्स्ट्रा मास ऑन योर बॉडी विच यू कैन एक्चुअली लूज, राइट? एज आई से आई कैन लूज वेट, वॉट आर यू गोइंग टू डू अबाउट योर पर्सनैलिटी? टेल मी दैट। मेरी लाइफ में ज़्यादातर पार्ट मोटापे में ही बीता है, कॉलेज तक पतली थी, उसके बाद मोटापे में ही बीता है। तो वो एक यू नो, जब आप आसपास के लोग यही देखते हैं, कि यही देखते हो कि सब पतले हैं, पतला होना ही ब्यूटीफुल है, तो आप में खुद में एक सेल्फ डाउट आ जाता है, मुझ में भी आया था, लेकिन मैं उससे निकल गई। तो मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ आज, और इसीलिए ही बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं निकल चुकी हूँ कहीं ना कहीं, आज भी आता है। लेकिन जब भी आप ऐसा कुछ भी सेल्फ डाउट मतलब अपने अंदर महसूस करो तो ये वीडियो देख लेना। एक्सेप्ट हु यू आर एंड इम्प्रूव ऑन हु यू कैन बी एंड लव योरसेल्फ इन एवरी स्टेट यू आर इन।